हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन? सर लास्ट 50-55 डेज बचे हुए हैं, तो सर उसको कैसे प्लान किया जाए उसको डिस्कस करते हैं। क्या इलेक्शंस को लेके डेट बढ़ने वाले? देखो वो बात की बातें, बढ़ा तो बोनस नहीं बढ़ा, तो एटलीस्ट हमारे हाथ में इतना सफिशियंट टाइम है कि हम सिंगल ग्रुप को प्लान कर सकते हैं। बोध ग्रुप वालों का प्रिपरेशन चल रहा होगा, इतना मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि बोध ग्रुप वाले अपना फ्लो ऑफ ट्रैक पे चल रहे होंगे। जितने मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं उनका बोध ग्रुप वाले में से फर्स्ट ग्रुप का प्रॉपर रिवीजन हो चुका है, अब सेकंड रिवीजन पे अपना सेकंड ग्रुप का आने वाले हैं। तो जो भी सेकंड ग्रुप रिवाइज करना चाहते हैं मेंटरशिप टारगेट्स प्लस टेस्ट के साथ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, उसको आप कर सकते हैं। फॉर बोध ग्रुप अभी कोई बैच नहीं आने वाला है, ठीक है? सिंगल ग्रुप के लिए रिगार्डिंग बैच चल रहा है, तो उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। टारगेट्स प्लस टेस्ट प्लस एमसीक्यू प्लस जो भी डिस्कशन होता है उसके रिगार्डिंग मैं एक ग्रुप बना के चलता हूँ, जिसको अच्छे से एग्जाम में जाता हूँ, लास्ट डे तक एग्जाम में रहता हूँ। सर पहले बात करते हैं हम 50-55 दिन। अब एक होता है कि क्रैक सी ए इन 50 डेज, बहुत ईजी है? नहीं, ईजी कुछ नहीं है। इस 50-55 दिन आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको क्रैक कर पाओगे। बट एक हाँ, एक फ्लो मतलब प्लान बता सकता हूँ कि किस प्लान वे में, बिकॉज देखो अब तीन पेपर है, थोड़ा तो एक साइन ऑफ रिलीफ बोल सकते हो कि तीन पेपर है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सर क्लियर क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, समझाता हूँ यहाँ से। लाइक आज हम खड़े हैं 10th of March पे, हमारे पास मान लो 30 and plus 20 50-55 डेज, अगर बोनस मिल गया बस 10-20 दिन का तो अच्छी बात है, नहीं भी तो 50 दिन लेके चलते हैं। इसको कैसे प्लान किया जाए? देखो सबसे पहले स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं आगे का, हम सेकंड रिवीजन कब करेंगे, हम थर्ड रिवीजन कब करेंगे। यार पहले तो आपको अपना फर्स्ट रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। एंड एक चीज हमेशा याद रखो कि फर्स्ट रिवीजन में स्पीड में रिदम आने में टाइम लगता है, बट सेकंड थर्ड में टाइम नहीं लगता। लाइक फर्स्ट रिवीजन आपका 15-20 डेज का होता है, तो सेकंड एंड थर्ड रिवीजन आपका बाई डिफॉल्ट 50% कम, लाइक कि 10 डेज फिर 5 डेज, इस तरीके से आपको करना होता है। तो सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपका फर्स्ट रिवीजन? आपको अपने प्रैक्टिकल पेपर से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ एफआर से स्टार्ट करो, 15-20 दिन एफआर करो। मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ कि मैं जब 1 अगस्त को अपने बर्थडे वाले दिन अपना एफआर पेपर स्टार्ट किया था, तो मेरे को यही पेपर था जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इसको जब 10 दिन अच्छे से पढ़ा, जब मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, जब उसमें 60-62 मार्क्स आना स्टार्ट हुए, देन एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। एक तो दिक्कत क्या होता है, आप लोग टेस्ट में ये ढूंढते हो कि मेरी गलतियां क्या है, टेस्ट एक आपका और भी काम क्या करता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में, कि अगर आपको टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे थे, कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में बैठते हो, उस लिए भी टेस्ट लिखना जरूरी होता है। अभी तो आईसीए के मॉक टेस्ट एंड ऑल है, अपने भी मॉक टेस्ट एंड ऑल चल रहे हैं, तो टेस्ट लिखा करो। नया सिलेबस है, मैंने तो पर्सनली न्यू सिलेबस दिया था, आई थिंक 2018 का ये बात है, इंटर वाला, ठीक है? तो काफी अच्छे तरीके से पेपर बाय डिफॉल्ट बहुत कुछ स्टडी मैथ से था, तो लेकिन हाँ प्रैक्टिस पे खेलता, तभी उस अटेम्प्ट में 80-85 मार्क्स बने थे। बहुत सारे एडवांस अकाउंट में गॉट 83 मार्क्स, एफएमई को गॉट 84 मार्क्स, एंड ऑल रेस्ट प्रैक्टिकल पेपर 70-60 में मार्क्स थे। रीजन क्या था? प्रैक्टिस बहुत किया था मैंने, ठीक है? तो प्रैक्टिस ही एक आप समझ सकते हो की टू सक्सेस बोलोगे इस अटेम्प्ट में, यही है, ठीक है? सर डिस्कस करते हैं एफआर पेपर। 15-20 दिन आपको देना है, नॉनस्टॉप 15-20 दिन आपको पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ना है क्या पढ़ना है बताऊंगा, बट उसके साथ है ना इसको इनकॉर्पोरेट कर लो। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है अभी सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स वालों के लिए। पहले लॉ था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप दो पेपर को फिर दो पेपर को ले चलते हो, बट अभी एकदम क्लियर है कि 15-20 डेज आपका एफआर चलना चाहिए, ऑडिट आपका डेली चलना चाहिए। सर डेली मतलब अगर आप 100% को डिवाइड करोगे, या मैं बोल रहा हूँ अगर आप आवर्स को डिवाइड करोगे 100% से ही, तो यहाँ पे आपका 80% टाइम एलोकेट होना चाहिए एफआर पे, एंड रेस्ट 20% टाइम आप अपना ऑडिट को दे सकते हो। बहुत क्लियर बता रहा हूँ, देना पड़ेगा, बिकॉज ऑडिट को एक लिंक में लेके चलो। सर ऑडिट में क्या टेक्निक, ऐसे कुछ आपको गाइड भी करूंगा, थोड़ा सा समझो, ठीक है? लाइक अपने 15-20 दिन में अगर आपने अपना एफआर फिनिश किया, देन नेक्स्ट देखो एफआर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वास्ट है एएफएम से, ठीक है? एएफएम में चैप्टर्स कम है, चैप्टर के अंदर कंटेंट बहुत है, एफआर में क्या है चैप्टर बहुत ज्यादा है, कंटेंट कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा, बट रेस्ट ऑफ चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हो, बट हाँ टाइम लगता है, एफआर टाइम कंज्यूमिंग है। तो 15-20 दिन आप यहाँ पे अपना एफआर को दे सकते हो, एएफएम में 15 डेज में आप उसको फिनिश कर सकते हो, डे का अपने 80% टाइम एएफएम दिया, इसके साथ आपका ऑडिट डेली चलेगा। मतलब रीजन क्या पता चला हमको लास्ट में, कंक्लूजन क्या निकला कि 30-35 दिन में अपना फर्स्ट रिविजन फिनिश करेंगे, तो ऑडिट भी हमारा डेली बेसिस पे चलते रहना चाहिए, ठीक है? ऑडिट को छोड़ना नहीं है, ऑडिट छूटा तो कहीं ना कहीं इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा दिक्कत आपको ऑडिट दे सकता है, बिकॉज चीजें नहीं है। आईसीआई ने TYU करके ऐड किया, मैं तो टेस्ट में जब क्वेश्चन डालता हूँ TYU के, बहुत सारे स्टूडेंट इसको बना नहीं पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एक्सप्लेनिंग करने बैठ जाते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेन को पॉइंटर्स नहीं याद आते, तो थोड़ा सा नए क्वेश्चन देखना सीखो। आईसीआई ने काफी अच्छे चैप्टर वाइज 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, तो इट्स टोटली 70-80 क्वेश्चन नया है, तो आप बनाओ वहाँ पे ऑडिट को, ऑडिट को डेली रखो, तो 30-35 दिन में आपका एक रिविजन फिनिश रहेगा।
ठीक है, मान लो हम इसके बात करते हैं 10th of April को, ठीक है, मान लो एक 30 days का टारगेट लेके चलते हैं, 15 दिन का, मैंने एफआर 15 से 20 दिन लिखा, 10 अप्रैल को आपका फर्स्ट रिविजन फिनिश रहेगा। ऑडिट आप डेली कर रहे हो, दो दो घंटे कर रहे हो, 60-70 hours, फास्ट तक खत्म होता है 60-70 घंटे में, तो ऑडिट को आप कर सकते हो। 10 अप्रैल के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 to 6 days रिविजन प्लान करना है। सर करना पड़ेगा, 5 से 6 दिन का रिविजन प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ पेपर जल्दी हो जाए, बट कुछ पेपर में टाइम लगे, बट 5 से 6 दिन में आपको अपना रिविजन पैकअप करना पड़ेगा, 5 to 6 days पर रिविजन। यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आपका फर्स्ट रिविजन फिनिश होगा, ठीक है, या आपका फिनिश हो चुका है, तो आप फिर से एक बार रिविजन पैटर्न को स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे आपका फर्स्ट रिविजन फिनिश हुआ, सपोज 10 से लेके 15, ठीक है, 10 से लेके 15 तक आपने मान लो एफआर जो सबसे पहले पढ़ा उसको वापस से रिविजन में स्टार्टिंग करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, रिकॉल जल्दी होता है, रिटेन भी होता है। तो 5 से 6 दिन में आपने 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने अपना एफआर प्रिपेयर किया, साथ में ना एक फुल टेस्ट जरूर लगाना, ऑन टाइम लगाना, एक फुल टेस्ट लगाना। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन क्या है। लोग क्या करते हैं ना, इवैल्यूएशन नहीं करवाते। मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने कहीं और से टेस्ट सीरीज ले रखा है, बट वो मेरे से इवैल्यूएशन करा के जाते हैं, वो कोर्स परचेज करते हैं, देन मैं उसको इवैल्यूएट करके देता हूं। कहीं ना इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक सेल्फ इवैल्यूएशन करने, देखो सेल्फ इवैल्यूएशन ठीक है, बट सब सामने वैसे जब मार्क्स आते हैं, जब सामने वाला आपकी गलतियां ढूंढ के बताता है, ये एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ ठीक है, सामने से पेपर चेक हो गया है, मुझे 60-70 marks मिल रहे हैं, तो काफी कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो एक चीज समझो, 5 से 6 दिन पर सब्जेक्ट का रिविजन, प्लस में जब लास्ट डे रिवाइज रिविजन हो जाए तो एक फुल टेस्ट जरूर लगाना, चाहे ICAI फुल टेस्ट लगा लो, चाहे कोई भी XYZ कहीं से भी फुल टेस्ट लगाओ, बट लगाओ जरूर। एक कॉन्फिडेंस देखो कि मुझे कितना चीज रिटेन हुआ है, कुछ अगर नए क्वेश्चन दिखते हैं तो मुझे कितना अच्छे से याद आ रहा है, कुछ MCQ वे में सब टेस्ट बन रहे हैं, तो MCQ भी क्रैक करना सीखोगे, बिकॉज MCQ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ टाइम एलोकेशन के लिए, ठीक है। लाइक आपने 10 से 15 तक आपको इसको किया, ठीक है, 15 से लेके 20, 19, क्योंकि AFM जल्दी हो जाएगा, तो हमने 4 से 5 दिन में AFM फिनिश कर लिया सेकंड रिविजन में, फिर उसका फुल टेस्ट दे दिया, देन आपने अपना ऑडिट का फुल टेस्ट देके अपने प्रिपेयर कर लिया। तो कहीं ना कहीं 5-5 days के पैटर्न पे आपने 25 अप्रैल तक इस चीज को फिनिश कर लिया। तो अब लास्ट में जब लास्ट 1.5 days रिविजन का, बिकॉज ये थर्ड रिविजन होगा जो आप एग्जाम के डे दिन बैठोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ज्यादा काम देगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं चीजों को बहुत कंसाइज करके ले आए हो। आपने 15 days रिविजन कर लिया, आपने 5 days रिविजन कर लिया। अगर बीच में कुछ टाइम मिलता है तो मैं बोलूंगा 1.5 दिन की स्ट्रेटजी यही लगा लेना, बट आपको ये 2 ही पेपर में लगाना है, बिकॉज एफआर में तो आपको 5 दिन मिलने वाला है। तो लगता है कि आपका AFM जो सेकंड रिविजन है 5 दिन से जल्दी हो जाएगा, एंड ऑडिट 5 दिन से जल्दी हो जाएगा, 3-4 दिन में हो जाएगा, तो आपके पास स्टिल 4 दिन बचेगा। तो मैं बोलूंगा 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी यही लगा लेना, AFM चेक कर लेना एंड ऑडिट चेक कर लेना कि ठीक है, मैं अगर 1.5 दिन में वहां पे कुछ अगर ट्राई करने वाला हूं, तो मैं यहां ट्राई करूंगा, 1.5 दिन में LDR बनाऊंगा। सर यहां पे आपका LDR का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग मेरे से पूछते हैं सर LDR का क्या रोल है, मैं बोलता इस अटेम्प्ट में तो बवाल मचने वाला है LDR से। लास्ट अटेम्प्ट में तो AFM में 60+ marks का था, मैं बोलता टफ अटेम्प्ट में आपको LDR सेव करेगा पासिंग मार्क्स। मैंने LDR कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं निकाला है, मैंने ICAI को एनालाइज किया है, एक एक क्वेश्चन को देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन को देखा है जो ICAI बहुत पूछता है, न्यू सिलेबस तक जाके देखा था 2018 में कि क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सर बहुत नॉमिनल प्राइस मैंने LDR को रखा है, ऐसा कुछ भी प्राइस नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं सर LDR का प्राइस क्या, मैंने बोला 299 या आई थिंक बोथ ग्रुप 399 में एप्लीकेशन में चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो, आपके पास ईमेल आ जाएगा हमारा सॉफ्ट कॉपी का, ठीक है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो 999 में LDR परचेज कर सकते हैं फॉर सिंगल ग्रुप, एंड 1499 में फॉर बोथ ग्रुप्स LDR परचेज कर सकते हैं। सेपरेट 5 spirals होंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट है, आई थिंक 150-160 pages का हर बुक है वहाँ पे, तो आपके पास डोर स्टेप पे पहुंचेगा। 999 में ऑल 3 books पहुंचेंगे आपके पास, कोई आपको डिलीवरी चार्ज के लिए एक्स्ट्रा नहीं पे करना है। 3 spirals अलग होगा, मैं स्टूडेंट्स को अभी 1 spiral भी नहीं देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर AFM एग्जाम दे रहे तो कहीं ना कहीं FR पलटोगे दिमाग में चलेगा, इसलिए मैं 3 spiral करके उनको कुरियर करवाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट 1.5 दिन में LDR बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने RTP एनालाइज किया है, तो RTP से इतना समझ आया, ICAI पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ICAI ने वहां वहां से क्वेश्चन उठाया, चैप्टर है तो आपके मोस्टली स्टडी मैट और LDR में उस चीज कवर है, 70% LDR कवर, मतलब ICAI के पास इतना तो है कि ICAI सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे RTP में पूछ रहा है, एंड वो ऐसे क्वेश्चन है मैं जब इसको एनालाइज कर रहा था तो बहुत बार घूम चुके हैं। तो रेडी हो जाओ, बस एक बार अच्छे तरीके से एक रिविजन कर लो, आपके लिए चीजें रेडी हो जाएगी, ठीक है। सब फुल टेस्ट के रिगार्डिंग ICAI मॉक दे दो, कोई भी XYZ टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है, अपना फुल टेस्ट सीरीज ग्रुप 1 का 499 में आ रहा है, अगर आपको देना है तो 499 आप दे सकते हो, शेड्यूल टेस्ट सीरीज है, एक डेट के अनाउंस करूंगा, उस डेट पे आपको देना है विद मेंटरशिप स्टूडेंट्स, तो आई थिंक अराउंड 200-300 स्टूडेंट के आपके बीच एक कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट बन सकता है,
तो आप दे सकते हो, ठीक है। पर्सनल पेपर मैं ही चेक करूंगा, पेपर मैं ही ड्राफ्ट करूंगा, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है जब पेपर का लेवल होता है। बिकॉज जब स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं ना, तो उनको समझ आ रहा है कि जब मैं एफआर का टेस्ट दे रहा हूँ, ऑडिट में कुछ नए क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ, एफआर में कहीं ना कहीं जंबल कर रहा हूँ, चीज़ें घुमा रहा हूँ, एफआर में फिगर्स चेंज कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट घूम जाते हैं। बोलते सही, तो मिस प्रिंट, अपने कोई मिस प्रिंट नहीं है, बनाओ, क्योंकि नए क्वेश्चन देखने की आदत नहीं है, आप तो बस उठा के बस वही लिख दिया एंड हो गया। नहीं, हाँ वो चीज़ चाहिए, बट एक कॉम्बिनेशन में चाहिए, ठीक है। सर देखो, की पॉइंट्स फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू के रिगार्डिंग क्या करना है, इतना ही बोलूंगा कि आईसीआई के जितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो सब बना लो, ठीक है, उसमें से कोई छोड़ के मत जाना। अब वहां पे कुछ ऐसा जगह आप फंसते हो ना, तो अपना स्टडी मैट में रेफर जरूर करना। लाइक अगर आप कोई पॉइंट में फंस रहे हो, ठीक है, जो इंटरिम रिपोर्टिंग का है, आपको नहीं समझ आया एमसीक्यू, तो जाओ स्टडी मैट में, कंट्रोल एफ करो, देखो किस पॉइंटर से आईसीआई ने एमसीक्यू बनाया, बस वहां से कुछ और भी बन सकता है। तो प्रैक्टिस आईसीआई एप्लीकेशन एमसीक्यू, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स पे कमांड रखो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, मतलब सिंपल सी बात है, इस अटेम्प्ट में आईसीआई का कोई रिसोर्स नहीं छोड़ना है, चाहे वो आरटीपी हो, एमटीपी हो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, तीन पेपर है, लोड कम है, आराम से बना सकते हो, स्टिल इनफ टाइम है हमारे पास। तो फॉर एमसीक्यू मैं बोलूंगा सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। एलडीआर मैंने एएफएफ में कुछ एमसीक्यू दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, तो आप एलडीआर से भी एमसीक्यू बना सकते हो, तो उसको वहां पे ध्यान रखना। सर दूसरी बात, 4 to 6 मार्क्स से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे पहले क्या था 100 मार्क्स का था, तो एएफएफ में 8-8-4 का पैटर्न था, नाउ अब 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल आ रहा है, तो छोटे क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा है, लाइक डर्टी प्राइसिंग क्वेश्चन हो गया आपका, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर हो गया, ठीक है, तो ये सब जो 4-4 नंबर क्वेश्चन है ना, अब आ सकते हैं, बिकॉज अब 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 6-4-4 का पैटर्न फॉलो कर सकता है। तो थोड़ा सा इस अटेम्प्ट के रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मत रखना, पूरा अच्छे से करके जाना, बिकॉज एक दो अटेम्प्ट होगा तब सिनेरियो क्लियर होता है कि पैटर्न कुछ इस तरीके से है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है सर ये आ सकता है या नहीं, अरे पढ़ लो, टाइम है, पढ़ लो। हाँ ये हो सकता है कि 1.5 दिन में क्या पढ़ना है उसके रिगार्डिंग एलडीआर है, या आपके किसी ऑथर ने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, या आपने कुछ इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है उसको पढ़ो। बट मैं बोलूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स है जानते हैं, एलडीआर को प्लीज है इस बार इंपॉर्टेंस देके जाना। इस अटेम्प्ट रिगार्डिंग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एलडीआर से दिखने वाले, बिकॉज May 24 बहुत अच्छा होने वाला है, एक बार रिवीजन अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। सर ऑडिट में समझो, ठीक है, ऑडिट में समझो जो चैप्टर्स मैं यहाँ लिख रखा हूँ, CFS जो कि ग्रुप ऑडिट के नाम से, PSU, NBFC, बैंक ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल ऑडिट, ये यहाँ पे आपको ना सेल्फ के 2-3 पेजेस की क्वेश्चन समरी बनानी पड़ेगी। अब देखो होता क्या है यहाँ पे ना, हमें की पॉइंट्स याद नहीं आते, क्यों नहीं याद आते, बिकॉज हमने की पॉइंट्स को ज्यादा देखा ही नहीं है। अब देखो जैसे मान लो CFS है, CFS में 3-4 क्वेश्चन में लेता हूँ, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डिंग कंपनी में क्वेश्चन देखा होगा, जहाँ पे आप ये ट्रू एंड फेयर व्यू एक कीवर्ड आता है, ठीक है, फाइन एज पर जो CFS है वो एज पर FRF है या नहीं है, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 143 क्लॉज सबसेक्शन 1, तो ये सब पॉइंट है दिमाग में आना चाहिए। तो इसका क्या है ना, कुछ नहीं करना, आपको पेज निकालना है, एक पेज रखना है, ठीक है, उस पेज में जितने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डिंग कंपनी, 4-5 कीवर्ड्स लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, वो लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिस, फिर लिख लिया 4 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 NBFC का, मतलब ऐसे ही करके NBFC का एक पेज बना लिया, एक पेज आपने बैंक का बना लिया, एक मतलब एक पेज अपसाइड डाउन, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, जब आप AFM कर रहे हो ना, तो आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। देखो ऑथर बुक रिवाइज करना ठीक है, बट आप खुद से रिकॉल करके लिखोगे, जैसे आप जब बना भी रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा जैसे मान लो PSU बना रहे हो, ठीक है, कंपेटेंसी ऑडिट का कोई क्वेश्चन आया, लाइक उसमें कीवर्ड्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, अचीव रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न अचीव और नॉट, तो ये सब लिखोगे ना तो रिकॉल भी होता है, आप एक पे तैयार भी कर रहे हो, इससे क्या होगा मल्टीपल टाइम दे सकते हो, फ्री बैठे हो 10 मिनट टाइम है, PSU रिवाइज कर लिए, सारे क्वेश्चन बैंक से कीवर्ड्स रिवाइज कर लिए, बिकॉज कीवर्ड रिवाइज हो गया ना, तो आपके दिमाग में अगर कीवर्ड आ गया लाइक रिलेटेड पार्टी, तो आप क्वेश्चन मतलब आप ना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। ये मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो बोलते सर मुझे ना कीवर्ड्स याद ही नहीं आ रहा है इसका, तो कुछ नहीं करना है, एक दो पेज लेके बनाओ। मैंने तो पर्सनली इंटर में किया एंड फाइनल में किया, मुझे ऑडिट में कभी दिक्कत नहीं हुआ, आई गॉट 58 या 59 इन ऑडिट इन फाइनल्स, एंड इंटर में बस लास्ट एक महीने की प्रिपरेशन थी, बिकॉज सेकंड ग्रुप बहुत लेट चालू होता है, कुछ हेल्थ इशू थे, बट स्टिल 51 बन गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज बता रहा हूँ कि ये चीज बहुत काम देगा, एक पेज बनाना है आपको, ठीक है, जितने क्वेश्चन से उतार के आपको सारे कीवर्ड्स लिखने, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, यूट्यूब रिवीजन वीडियो देख लो, बट इन चैप्टर्स का थोड़ा सा क्वेश्चन समरी बनाना, ये सिर्फ कीवर्ड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। PSU में अगर 10 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन लिखना जरूर है, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन में 1, क्वेश्चन का पॉइंट लिखना है, इस पॉइंट से मैं समझूंगा इसका आंसर ये है, ये 5 पॉइंट लिख दिया, क्वेश्चन में 2 इस पॉइंट से ये 5 पॉइंट लिख दिया, क्वेश्चन में 3 ड्यू डिलीजेंस आ गया, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस, तो SWOT एनालिसिस लिख दिया, नेटवर्क लिख दिया, इससे क्या होगा AFM कर रहे हो 10 मिनट टाइम मिला, आपने PSU रिवाइज कर लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं इन चैप्टर से क्वेश्चन बैंक से बहुत आता है। LDR का भी अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं तो 20-25 नंबर इन्हीं चैप्टर से आता है, तो LDR देखो या बहुत मामूली कॉस्ट में अगर ले सकते हो तो उसको लेके आप क्वेश्चन टिक लगा लो, या उन क्वेश्चन को एटलीस्ट रट के या जो भी कर सकते हो करके एग्जाम में जाना, ठीक है।
सर इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आप लोग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेशली ग्रुप वन स्टूडेंट, जो ग्रुप टू डीटीआईडीटी है वो भी इस पैटर्न पे अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बस डीटीआईटी इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत रखना। हाँ, देर आर फ्यू चैप्टर जो मैं टेस्ट में रखता हूँ लाइक इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ऑल, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। आईसीए के क्वेश्चन देखना, कुछ नए नए क्वेश्चन ऐड हुए, तो इस अटेम्प्ट में बोलूंगा क्वेश्चन अप्रोच जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बोथ ग्रुप जा रहे हैं एक बोल्ड डिसीजन है, बट मेरे हिसाब से एक फ्रूटफुल डिसीजन हो सकता है बोथ ग्रुप वालों के लिए, बिकॉज मई 18 जब मैं सिंगल ग्रुप इंटर गया था तो मैंने जब ग्रुप टू का पेपर देखा थोड़ा सा रिग्रेट फील हुआ था कि अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करता तो शायद मैं बोथ ग्रुप्स निकाल देता, बिकॉज पेपर का लेवल उतना भी हार्ड नहीं था। बट हाँ, जिन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, मेरे साथ मेरा दोस्त था, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया था, एक दो दोस्त थे तो क्लियर हुए थे वहाँ पर, ठीक है। तो जो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं मैं बोलूंगा एकदम आराम से ग्रुप वन में प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ग्रुप टू में थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान देना, डीटी एंड आईडीटी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। सर एफआर अगर एसएम पढ़ रहे हो चलेगा, या उसके अलावा कोई भी ऑथर बुक, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे एसएम भी अब चलेगा एफआर में। सर एएफएम में सिर्फ एसएम करके जाएंगे, किस्मत अच्छी रही तो बहुत अच्छा, अगर किस्मत खराब रहा तो मई 23 जैसा हाल हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ एएफएम रिगार्डिंग कोई ऑथर का अच्छा बुक लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब सर कौन सा ऑथर क्या, तो यहाँ पे नहीं, आप मेरे से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग एंड ऑल, ठीक है। अदरवाइज कोई एसएम फॉलो करता है तो एसएम के साथ एलडीआर इनकॉर्पोरेट करो, बिकॉज एलडीआर में वो क्वेश्चन है जो आरटीपी एमटीपी ये सब में आया हुआ एंड यूनिक क्वेश्चन है, मैं उसको निकाल के रख दिया हूँ। हर एलडीआर में हर चैप्टर आपको 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिलेगा मैक्स टू मैक्स। अगर फॉरेक्स में किसी ने 100 क्वेश्चन दिए तो मेरे एलडीआर में सर 20-22 क्वेश्चन मिलेगा, वो 20-22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं तो बोलता हूँ लास्ट टाइम तो इतने मैसेज आते सर एक एक क्वेश्चन ने जान बचा दिया, एग्जामिनेशन का दिलवाया एक एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का खेल होता है, ठीक है। सिर्फ एसएम करके जा रहे हो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, थोड़ा सा एएफएम में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, एफआर में चल जाएगा, बट एएफएम में रिस्क मत लो। इट्स अच्छा है कि एक सिंगल स्टूडेंट हो, कोई अच्छा ऑथर का बुक फॉलो कर लो, या तो एसएम के साथ एलडीआर जरूर फॉलो करना, ठीक है। सर एलडीआर का और क्या रोल होता है फॉर बीएनसी कैटेगरी, बीएनसी कैटेगरी लास्ट में कवर करना मुश्किल होता है 1.5 दिन में। सर बीएनसी कैटेगरी मतलब 105 हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब छोड़ के जाने कभी नहीं बोलता मैं, कभी कुछ छोड़ के जाने बोलता ही नहीं मैं, इतना बोलता इतना टाइम आपके पास होता है कि आप अपना एलडीआर के जो 4-5 सम्स है ना उसको देख के जा सकते हो। इसलिए कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो या कोई टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है तो एलडीआर में 10 सम्स है ना वो 10 सम्स बना लो, नहीं है तो यूट्यूब पे कोई ऑथर मिलता है उनको फॉलो करके वो 10 सम्स सॉल्व कर लो, बात खत्म। इतना भी करके जाओगे आप सेफ साइड पे रहोगे, ठीक है। ठीक है सर, डेली कितने घंटे देने हैं पढ़ाई को? देखो अभी तो आपको 8 सिंगल ग्रुप स्टूडेंट हो चाहे ग्रुप टू हो या ग्रुप वन हो, 8 घंटे देने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल्स को मैं बोल रहा हूँ 5 से 5.5 घंटे, रस थ्योरी को 2.5 घंटे, ये 8 आवर्स इफेक्टिव होने चाहिए। लाइब्रेरी में फोन ऑफ करके रख दो, घर पे पढ़ रहे हो फोन ऑफ करके रख दो, ये 8 आवर्स कहीं नहीं, तो 8 आवर्स निकालने के लिए आपको 9 से 10 घंटे सिटिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलो सर कोई होता है 4 घंटे में पढ़ते होते होंगे, बट एक एवरेज बताता हूँ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 8 घंटे अगर निकाल के पढ़ रहे हो तो इतना भी सफिशियंट है, इतना पैनिक प्रेशर लेके मत पढ़ो, ठीक है, थोड़ा खुशी खुशी पढ़ो तो अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अप्रैल में ये बढ़ सकता है, 9 से 10 घंटे जा सकता है, सिंगल ग्रुप स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जहाँ तक रहा मेंटरशिप बैच का, तो मेंटरशिप बैच सिंगल ग्रुप स्टूडेंट के लिए किसी को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर है, वो ज्वाइन कर सकता है। रिगार्डिंग एलडीआर सब कुछ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके उसको परचेज कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, हार्ड कॉपी ले सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स उसको लेकर स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक रिविजन कर लिया, बिकॉज वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, बिकॉज आप जब बनाओगे ना तो आपको समझ आएगा ये क्वालिटी कम्स है। अगर आपने 1.5 दिन में बना दिया तो यहाँ से 60-70 नंबर लगता है। ग्रुप वन में तो मैं खुल के बोलता हूँ, ग्रुप टू में नहीं बोलता ना, ग्रुप टू में बोलता हूँ 20-25 नंबर आ गया तो बहुत है, बिकॉज वहाँ पे कंसेप्चुअल से नए क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ दैट जो भी क्वेश्चन डाउट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड मैं ऑडिट का जो एलडीआर डिस्कशन है 3-4 वीडियोज बन चुके हैं, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है, और मैं कल पीएसयू ऑडिट बना के डालने वाला हूँ। फिर मैं जो ये चैप्टर्स मैंने लिखवाया आपको सीएफएस पीएसयू ये सबको मर्ज करके मैं आपका एक मैराथन डाल दूंगा जो कि 4-5 घंटे में होगा, जिसको आप अपना एग्जाम डे पे भी 4-5 घंटे निकाल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विक रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में बताओ कि और क्या आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। एंड जो एमसीक्यू रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज है, पेपर 6 के रिगार्डिंग आईबीएस है, उस पर लॉ डिस्कशन रिगार्डिंग अगर कुछ मैं लॉ डिस्कशन क्लास स्टार्ट करूँ जो मीटिंग विद 50-60 स्टूडेंट्स, तो अगर वो आप इंटरेस्टेड हो तो उसके रिगार्डिंग भी मैं प्लान कर सकता हूँ नेक्स्ट 10-15 डेज में, कि जितने लॉ के मेन चैप्टर्स है उसको हम क्विक रिवाइज करें।